हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो से, जैसा कि आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, हम यहां से इकोनॉमिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी होगा जो पढ़ चुके हैं लेकिन उनको रिविजन करना है, और वो भी क्विक रिविजन करना है और सारी चीजें कवर करनी है। साथ ही साथ ऐसे पढ़ना है कि सारी चीजें याद भी हो जाए, राइट। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, इन शॉर्ट की सब लोग इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए, और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें, राइट। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी आगे फ्यूचर में जो भी रिविजन वीडियोज में अपलोड करो एग्जाम तक, वो सारी चीजें आपको फटाफट मिलती रहे, राइट। आपके जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिलता है, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन, और इसमें समझते हैं कि हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स का, राइट। फर्स्ट चैप्टर हमारा है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनको हमें सीखना है, समझना है कि कैसे हमें करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो सारी चीजें हमें कवर करनी है और सारी चीजें हमें पढ़नी है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं ये जो ग्राफ है इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, थोड़ी चीजें याद करना आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, बेसिकली हम सब जानते हैं जो ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ये हमें बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है ये, बहुत सारी चीजों को जो भी वर्ल्ड में हो रही हैं या जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन हो रहा है उनको एक्सप्लेन करता है, उनको एनालाइज करता है, राइट। ये सारी चीजें करता है, लेकिन अब क्वेश्चन है ये अपने आप तो एक्सप्लेन या एनालाइज करता नहीं होगा, तो उसमें क्या करते होंगे, ये सारी चीजें है ना कौन करता है, ये सारी चीजें होती हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डन बाय एक्सपर्ट्स। जो भी वर्ल्ड में अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं या अलग अलग एक्सपर्ट जितने भी हैं, वो सभी अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या वर्ल्ड में हो रहा है, राइट। लेकिन अभी कभी कभी कैसा होता है कि जो भी रियल वर्ल्ड में हो रहा है उन सभी चीजों को सबको समझाना आसान नहीं है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे दुनिया में लीमैन है, लीमैन का मतलब मैं बात करता हूँ आम आदमी की, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक, ठीक है। क्योंकि सभी पब्लिक के पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज तो है नहीं, सभी को ये तो नहीं पता ना कि सारी चीजें कैसी होती है, वर्क कैसे करता है, सेल्स कैसे इंक्रीज हो रहा है, सेल्स कैसे डिक्रीज हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, वो सारी चीजें उनको समझ में आएंगी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो डेटाज होती है वो पब्लिक को भी समझ में आए, राइट। जो ये लेमैन है ये भी समझ जाए, राइट, तो ये भी समझ जाए नहीं, अंडरस्टैंड करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजों का यूज करते हैं। तो इनको समझाने के लिए, इनको एक्सप्लेन हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम चीजों का यूज करते हैं। तो हम इनको समझाते कैसे हैं, बाय वे ऑफ ग्राफ, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं, और एक और चीज है जिसका नाम है डायग्राम, राइट। तो हम डायग्राम का यूज करके इनको चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से समझो, मैं वापस इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स है ना, जो हमारे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, डिमांड सप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राइट, जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन फेस कर रही है उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता कौन है, बेसिकली मतलब इकोनॉमिक्स खुद आके नहीं करने लगता है, वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना अलग अलग, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये एक्सपर्ट्स की बातें हैं वो आम आदमी समझ नहीं पाता, जो लेमैन है वो समझ नहीं पाता। तो उनको समझाने के लिए, राइट, टू मेक देम अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू मेक देम अंडरस्टैंड, यानी जो ये आम आदमी है, ठीक है, तो उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ग्राफ और डायग्राम्स का, राइट। बात समझ में आया। तो बेसिकली जो ग्राफ और डायग्राम्स होते हैं ये इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि सभी लोगों को समझ में आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो भी चीजें हम रिवाइज करेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे, वो तुम्हें एक मार्क्स के लिए, ठीक है, एमसीक्यू के लिए एक मार्क्स के लिए और दो मार्क्स के लिए, सभी के लिए काम आ जाएगा, राइट। मैंने चीजें इस तरह से अरेंज किया कि सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम की बात करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम में हमें समझना क्या है कि जो बेसिकली डायग्राम होता है, ठीक है, जो डायग्राम हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो डेटाज होते हैं हम उसको बाय वे ऑफ पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑब्जर्वेबल डेटाज होते हैं हमको बाय वे ऑफ पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखो कैसा है, इसमें हम कुछ स्केल्स का भी यूज करते हैं, कुछ मेजरमेंट्स का भी यूज करते हैं, लेकिन देखो फिर भी कैसा है कि स्केल्स और मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं लेकिन थोरो नॉलेज, यहाँ पे थोरो नॉलेज होगा, राइट, थ्रू नहीं होगा, ये थोरो नॉलेज है।
हमें थोरो नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब क्या है कि हमें डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट ओके. तो थोरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि बेसिकली सिचुएशन क्या है, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर इन्फॉर्मेशन बाय वे ऑफ पिक्चर, राइट. सो यू नीड स्केल्स एंड मेजरमेंट, बट इट डज नॉट रिक्वायर्ड और इट डज नॉट नीड थोरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट. बात समझ में आया कि तुम्हें स्टेटिस्टिक्स का डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए. और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो कौन से टाइप की होती है, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन होती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज होती हैं. तो याद रखना है कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हैं या डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम. ये ऑप्शंस में आता है, एमसीक्यूज में भी आता है, वन मार्क्स में भी क्वेश्चन बनता है, राइट. चीजें याद रखनी है कि जो डायग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं. व्हाई दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि वो इतने सिंपल होते हैं. जब जहां पे स्टेटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है, नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. और बेसिकली क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये यूज कौन करता है. जब इतना ईजी है तो कौन यूज करता है, इकोनॉमिक्स तो इजी चीजें यूज नहीं करते. हमने कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो हमने देखा है वो ऐसी ही चीजें एक्सप्लेन करते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं जो हमारे सर के ऊपर से जाए, राइट. तो हु द पीपल आर यूजिंग दिस थिंग्स, राइट, हु आर दोज पीपल. तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो होती हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो गया, गवर्नमेंट हो गई या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये ऐसे कुछ लोग हैं जो इन सब चीजों का यूज करते हैं. मैं जैसे सिंपल एग्जांपल दूं तो राइट नाउ जैसे कोरोना सिचुएशन चल रहा है, तो कोरोना सिचुएशन में क्या क्या चीजें करनी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किए, राइट. तो वो जो गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट किए उसमें क्या यूज किया है, डायग्राम ही यूज किया है, अलग अलग चीजें यूज की है, एडवर्टाइजिंग कंपनीज यूज करते हैं कि कैसे उनका प्रोडक्ट तुम डिमांड कर रहे हो, ये सारी चीजें यूज करते हैं वो लोग, राइट. तो ये समझना है कि जो डायग्राम है बेसिकली हम बाय वे ऑफ पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारे पास डेटाज हैं इसमें स्किल और मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है बट थोरो नॉलेज की जरूरत नहीं है, राइट. और जो हमारे पास डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन होता है उसी के लिए हम डायग्राम यूज करते हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है. और सबसे बड़ी चीज ये गवर्नमेंट यूज करती है, कंपनी यूज करती है, कौन सी कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो ये इतनी चीजें हैं, आई होप कि ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी, राइट. बाय वे ऑफ पिक्चर, स्केल्स एंड मेजरमेंट यूज, थोरो नॉलेज don't require or not required, discrete frequencies, self-explanatory, advertising company, government and social organization. So it is used by advertising company, government and social organization, right? तो ये तुम्हारा हो गया first point diagram. उसके बाद बात करते हैं second point, that is graph. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं graph की, तो graph में देखो चीजें क्या होती हैं, representation of the observable data by way of picture. देखो बात सही है, इसमें भी हम picture का ही use करते हैं, लेकिन difference क्या है वो समझो. फॉर स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का हम यूज करते हैं और सबसे खतरनाक चीज ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है. किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है जो तुम्हें एक्सप्लेन करे. और सबसे बड़ी बात, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज. देखो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखा हुआ है तो ये हो गया तुम्हारा डिस्क्रीट, राइट. और अगर वहीं लिखा हुआ है 10 to 20, 20 to 30 तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन जो होते हैं इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, राइट. तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है कि जो ग्राफ होता है बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और एक चीज देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं. और अगर मैं बात करता हूँ स्टेटिस्टिकल टूल की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे थोरो नॉलेज की जरूरत है स्टेटिस्टिक्स की. अगर मेरे पास थोरो नॉलेज नहीं है स्टेटिस्टिक्स का, इट मीन्स आई कैन नॉट यूज द ग्राफ, आई कैन नॉट मेक द ग्राफ. जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया भी है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, तो उसमें हमें देखो चीजें देखनी होती है कि हमें कि वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे बनाना है. ऐसे ऐसे ग्राफ हम बनाते हैं अलग अलग, तो हमें सारी चीजें का इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है. वहां पे लिखते हैं कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, तो वो नॉलेज है हमारे पास तब हम करते हैं. अगर नॉलेज नहीं हो, किसी लेमैन को बोलेंगे तो वो ये नहीं बना पाएगा. बात समझ में आया, राइट. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, फॉर कॉम्प्लेक्स एंड अनक्लियर स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन. और याद क्या रखना है कि जो डिटेल्स है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो कॉम्प्लेक्स होती है, राइट, थोड़ी कठिन होती है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ओके, उन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं. उसके बाद सबसे बड़ी बात कि इसको हम सिर्फ ग्राफ पेपर पे ही बनाते हैं. जैसा मैंने बताया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ पेपर पे ही होता है. और मेन, नॉट कन्वे टू द ले पर्सन. और ये इन्फॉर्मेशन जब बनाया जाता है तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन हम किसी भी आम आदमी के लिए नहीं बनाते हैं, हम पढ़ाने के लिए बनाते हैं. हम किसी को प्रेजेंटेशन देना होता है या किसी को, जैसे कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या कोई बड़ी कंपनीज हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों के लिए ये सारी चीजें यूज होती हैं, ना कि किसी लेमैन पर्सन के लिए, ओके. और ये बेसिकली यूज कौन करता है, तो रिसर्चर्स यूज करते हैं, एजुकेशनिस्ट यूज करते हैं, राइट. तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, इट इज यूज बाय द रिसर्चर्स एंड एजुकेशनिस्ट. अब देखो यहाँ पे जो हमने डायग्राम पढ़ा और हमने यहाँ पे ग्राफ पढ़ा,
अब देखो ये जो जिस तरह से चीजें मैंने लिखी हैं ये तुम्हारे लिए कैसे कैसे काम आएंगी, तुम इसको है ना 1 मार्क्स के लिए यानी एमसीक्यू के लिए भी यूज कर सकते हो, 1 मार्क्स के लिए भी यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्राफ और डायग्राम का डिफरेंस आता है वहां पे तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने एकदम अलग अलग करके सारी चीजें लिखी हैं, सो सामने सामने लेके जस्ट तुम एक डिफरेंस बना सकते हो। ओके, तो बस अब यही है कि इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उतना जितना हो सके जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करो, उनको भी बोलो कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट, ताकि चीजें मुझे सपोर्ट मिले। और अगर इस वीडियो पे प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है डेफिनेटली तब मैं आगे और बनाने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो मैं, इकोनॉमिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, राइट, यू ऑल नो मैं अकाउंट्स के ही बनाता हूँ, बट मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, चीजें मैंने नेट क्लियर की है, जीजेड क्लियर की, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें रीड की हैं, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी मुझे नॉलेज है मैं वो तुम लोग को तक पहुँचाऊँ, और तुम लोग तक पहुँचा रहा हूँ तो आई नीड योर सपोर्ट, राइट। बेसिकली बींग अ टीचर कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एंड अगर आप सपोर्ट करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो भी चीजें हैं मेरे पास मैं वो सब आपको प्रोवाइड करूंगा, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज तो मैं लेने वाला नहीं, और ना ही मैंने बोला है कि भाई ज्वाइन करना है वो करना है तुम्हें, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन लेना है, ऐसा कुछ तो मैंने कहा नहीं है, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो एटलीस्ट अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आई नीड योर सपोर्ट, और यही सपोर्ट होगा भाई कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम इन ग्राफ, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछते हैं, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम इन ग्राफ। तो अभी यहाँ पे चीजें क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, देखो वो क्या लिखा हुआ है कि डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन। देखो क्या लिखा है, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स मेड इजियर एंड लेस कंफ्यूजिंग। सी, अगर डेटाज हैं, कभी कभी कैसा होता है सिर्फ अगर एक टेबल बना के मैं सिर्फ डेटा रिप्रेजेंट कर दूं, समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द पीपल्स। लेकिन अगर वही चीजें मैं ग्राफ बना के एक्सप्लेन करूं, पाई चार्ट बना के एक्सप्लेन करूं, अलग अलग तरीके हैं लोगों के एक्सप्लेन करने के, सो इट बिकम्स इजी एंड लेस कंफ्यूजन। नेक्स्ट वन, द ट्रेंड्स ऑफ वेरियस पैरामीटर्स कैन बी ऑब्जर्व। और अगर तुम्हें ट्रेंड समझना है मतलब क्या है भाई, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कि डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, ये ट्रेंड समझना है तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है कि हम उनको सिर्फ एक ग्राफ में एक्सप्लेन कर दे, एक ग्राफ बना दे, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो एक डायलॉग है ना, कि जो पिक्चर्स होते हैं ना वो 1000 वर्ड स्पीक करते हैं, बिना कुछ बोले भी 1000 वर्ड्स बोल देते हैं, तो सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो ये सारी चीजें हमें समझना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है चेंजेस इन अ वेरियस सेक्टर। और अगर हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनमें कैसे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, राइट, तो वो भी चीजें हम समझ सकते हैं। प्लस अगर हमें कंपैरिजन करना अलग अलग पैरामीटर्स का, अलग अलग ग्रुप्स का, अलग अलग क्लास का, अलग अलग रिलीजन का, सेक्टर का, टाइम पीरियड का, देन ऑल्सो वी कैन यूज ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, राइट, तब भी हम इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या है, जैसे पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहा है उसके लिए भी पॉपुलेशन चार्ट बना के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है मेनी डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स थ्रू ग्राफ एंड डायग्राम, टाइम एंड एफर्ट्स इन प्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग सेव। अब देखो सिचुएशन कैसा है कि जब हम डायग्राम और ग्राफ का यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें होती हैं, तो अगर हम उन डिफिकल्ट चीजों को थ्रू ग्राफ एंड डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी, हमारा जो टाइम और एफर्ट लगने वाला है वो बच जाएगा। टाइम एंड एफर्ट का मतलब क्या है, लोगों को समझाने बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, सो वो सेव हो जाएगा, राइट, और लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, बात खत्म हो गया। हमारा मेन टारगेट क्या है कि लोगों को एक्सप्लेन करना, टू टेल देम अबाउट द इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन उन्हें एक्सप्लेन करना समझाना है तो हम इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिफिकल्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बिकम्स इजी। अब सिचुएशन कैसा है कि बहुत सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, राइट, बहुत सारे इकोनॉमिक्स रूल्स हैं, अब उन इकोनॉमिक्स रूल्स को भी हम यहाँ पे इजी कर सकते हैं। कैसे इजी कर सकते हैं, बाय वे ऑफ डायग्राम, बाय वे ऑफ ग्राफ। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, 11th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी, ट्रेंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, तो ये सारी चीजें क्या है हम वहां पे भी यूज कर, जैसे मैं डिमांड और सप्लाई की अगर मैं तुम्हें बात करूं तो डिमांड और सप्लाई एक्सप्लेन करने से अच्छा अगर मैं तुम्हें ऐसा ग्राफ बना के बता देता हूं कि भाई प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाती है, राइट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्राइस रखता हूँ तो यहाँ पे प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, और प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, ये एक्सप्लेन करना है तो मैं ये ग्राफ में तुम्हें ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बात समझ में आया, सिर्फ मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना होगा और ड्रॉ करने से तुम्हें चीजें दिख जाएंगी। अब मैं कितना भी एक्सप्लेन करता रहूं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर मैं ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ तो चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं, राइट, चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, ये सारी चीजें क्या कर देते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन को ईजी कर देते हैं, राइट। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंस, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ।
पहला क्या है, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन मेड इजियर एंड लेस कंफ्यूजिंग, ट्रेंड्स ऑफ वेरियस पैरामीटर्स कैन बी ऑब्जर्व। देखो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ट्रेंड्स ऑफ वेरियस पैरामीटर्स कैन बी ऑब्जर्व, चेंजेस इन वेरियस सेक्टर कैन बी कंपेयर्ड, कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर ग्रुप्स क्लास रिलीजन सेक्टर एंड टाइम पीरियड कैन बी डन, मेनी डिफिकल्ट एस्पेक्ट, समझना, मेनी डिफिकल्ट एस्पेक्ट कैन बी मेड इजी through the help of diagram and graph, right? And we can save the time and efforts in presentation and making them understand. बात समझ में आया? जो मैंने चीजें लिखी है उसी को तुम सेंटेंस बना के लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए बस इतना याद होना चाहिए, many difficult aspects through graph and diagram, time and efforts in the presentation and understanding saved, right? And difficult principle of economic become easy, right? We can present many difficult principles of economics in a easiest way with the help of graph and diagram. बात खत्म, क्लियर है इतना, समझ में आया? तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग, राइट? पहला क्या टॉपिक है, एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग। अब इसमें देखो क्या लिखा है, चॉइस ऑफ टाइप्स ऑफ डायग्राम और ग्राफ इन देयर प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। देखो सबसे बड़ी चीज है कि हमें कैसे डायग्राम को यूज करना है, कैसा ग्राफ यूज करना है, वो हमें पता होना चाहिए, राइट? तो चॉइस ऑफ टाइप, कौन से टाइप का हमें यूज करना है, सबसे बड़ी एफर्ट यही है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके लिए हमें क्या यूज करना है, क्योंकि राइट डायग्राम जो होता है पिक्चर ऑफ मोर इफेक्टिव बनाता है, राइट चॉइस मेक्स पिक्चर मोर इफेक्टिव। ये याद रखना कि अगर तुम राइट डायग्राम बनाते हो, राइट चॉइस करते हो, तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो और इफेक्टिव वे में प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा क्लियरिटी, क्लियरिटी तो बहुत अच्छी रखनी है, नीट एंड क्लियर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, सारी चीजें अगर अच्छे से ग्राफ नहीं बनाए हो तो कोई तुम्हारा वो ग्राफ नहीं दिखेगा। एंड मेन थिंग डिफरेंट शेड्स विथ डिफरेंट कलर। देखो अगर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनके लिए अलग अलग कलर्स यूज करो। जैसे मैं, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे देखो मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ, इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन है, जो हमारे ऑडियंस है ना, उनकी जो उनका कहते हैं ना ध्यान हम रिटेन कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा कि वो यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, दिमाग इधर उधर चलता रहेगा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाएगा, ओके? फिर नेक्स्ट है स्केल्स एंड मेजर्स। अब देखो यहाँ पे कैसा है कि हमें स्केल्स एंड मेजर का भी सोचना होता है, यानी कि हमें कौन से साइज का, कौन से स्केल हमें यूज करना है, और वो भी हमें अकॉर्डिंग टू डेटा, आई मीन डेटा, जैसा हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसा हमारे पास डेटा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन वी हैव टू मेक। बात समझ में आया, क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस। अब जैसा हम लोग को पता है कि हमारे पास दो एक्सेस होते हैं एक्स एंड वाई, तो हमें दोनों ही एक्सेस पे हमें प्रॉपर डिनोट करना है कि कौन सी डिटेल, राइट, विद एप्रोप्रिएट डिटेल्स ऑफ व्हाट दे रिजर्व, आई मीन व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग, राइट? तो यहाँ पे हमें वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है कि भाई वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या चीजें बता रहा है। अगर वो चीजें हम नहीं बताते हैं तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके? तो ये समझना है कि भाई जो भी चीजें हैं वो इजी वे में उनको समझ में आ जाए, तो उन्हें यहाँ पे डिनोट करना है हम लोगों को। फिर नेक्स्ट है डेटा टेबल इन सोर्स ऑफ डेटा। अब यहाँ पे देखो कैसा है, डेटा टेबल इन सोर्स ऑफ डेटा एकम्पनीड बाय डेटा टेबल। जो भी तुम इन्फॉर्मेशन है, जैसे ग्राफ में बना रहा हूं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी मैंने ग्राफ बनाया है उसके लिए जो डेटा मैंने यूज किया ना उसका टेबल यहाँ पे साइड में बना दो। रीजन क्या है, अगर मैं साइड में टेबल नहीं बनाता तो कभी कभी भाई क्या है, सामने वालों के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अगर टेबल है तो वो इन्फॉर्मेशन को रीचेक भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेंशनिंग द सोर्स ऑफ डेटा, इफ यू आर मेंशनिंग द सोर्स तो ये क्या होगा, लोगों को ट्रस्ट होगा, रिलायबल और ऑथेंटिक होगा। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि किसी इन्फॉर्मेशन है जो है दिया हुआ है बाय द गवर्नमेंट, तो लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। मैं बोलूँ कि एज पर मी तो वो नहीं होगा, या मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलूँ, तुम्हें पता है जैसे वो एक मूवी है किस किस को प्यार करूँ वाले में, तुमने देखा होगा, जो उसमें वरुण शर्मा करके है, यानी जो कपिल शर्मा का उसमें दोस्त नहीं बना है, जो उसका फ्रेंड है, उसका फ्रेंड है, देखो जब भी चीज एक्सप्लेन करता है बोलता है कि दीदी आप, अरे भाभी आपने साइंस पढ़ा है तो साइंस का ये रूल होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम ऐसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं ना, बोलते हैं अगर आपने साइंस पढ़ा है तब तो मैं आपको बहुत आसान समझा दूंगा, और आपने नहीं पढ़ा तो और आसानी समझ में आ जाएगा। तो मेन कैसा ही है, जो मेन पॉइंट है कि अगर आपका सोर्स होता है, ठीक है, अगर आपने सोर्स रिप्रेजेंट किया है तो सामने वाले आप पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, राइट? क्लियर इतना। एंड नेक्स्ट है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा। और जो भी मेथड तुमने यूज किया है भाई उसको एक्सप्लेन करो, उसको बता दो। नॉट फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर मान लो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, राइट, फ्रॉम सिंप्लीफाइड विद द फॉर्मूला स्टेट स्टैटिस्टिकल मेथड। देखो मेन कैसा है कि जो डेटा है अगर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, राइट, फ्रॉम सिंप्लीफाइड विद द फॉर्मूला, अगर तुमने उसको सिंप्लीफाई किया है, कैसे सिंप्लीफाई किया है, विद द फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूला यूज करके जो डेटास था, डेटास को तुमने क्या बनाया है, एकदम सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया है, देन इट इज योर ड्यूटी
इट इज योर ड्यूटी टू स्टेट द स्टेटिस्टिकल मेथड, तुमने कौन सा मेथड यूज करके वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया है. क्लियर है इतना, बात समझ में आया? ओके तो ये है तुम लोगों का तीसरा टॉपिक था यहाँ पे, और टॉपिक का नाम क्या है वो याद रखना, एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग ग्राफ और डायग्राम. बात समझ में आया? क्लियर है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायग्राम. तो टाइप्स ऑफ डायग्राम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हम सीधा अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. राइट, ये जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार तुम अपने से रीड कर लेना. ओके, जो यहाँ पे मेन है मैं वही सीधा एक्सप्लेन करता हूँ. अब मेन है हमारा यहाँ पे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. अब देखो, हमें टेक्नोलॉजी का यूज हम स्टडी में कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को रीड करने में कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. हम सबको पता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हैं. यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे डेटा ही सब कुछ है. राइट, वी यूज दिस टेक्नोलॉजी इन अवर डेली लाइफ. कोई भी बोल नहीं सकता सर हम नहीं यूज करते, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं यूज करता. नो वन कैन डिनाई दिस थिंग्स. कैसे, देखो, वी यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी इन मेनी वेज, सच एज टू वॉच मूवीज, टू लिसन म्यूजिक, टू नेविगेट. आजकल तो है ना लोग मैप का यूज करके कहीं भी जाते, जैसे मैं ही बताऊं, मैं कहीं पे फर्स्ट टाइम जाना होता है मुझे, या मैंने नहीं देखा है, कोई साथ में नहीं है मेरे, कोई गाइड नहीं है, तो मैं गूगल मैप का यूज कर लेता हूँ. राइट, सो बेसिकली आई एम यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी टू परचेस गुड्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्या है ये सब, टू पे बिल्स, आजकल है ना बिल्स पे करो पेटीएम से, फोन पे से, अलग अलग जगह से, टू बाय और बुक टिकट्स, ये अमेजोन पे भी तुम बुक कर सकते हो, पेटीएम पे बुक कर सकते हो, और बुक माई शो करके भाई आता है उसमें भी बुक कर सकते हैं. राइट, यानी कहने का मतलब क्या, टेक्नोलॉजी ही तो है ये सब. टू स्टे कनेक्टेड विद द नियर एंड डियर वंस. अब यहाँ पे आ गया फेसबुक, इंस्टाग्राम तुम्हारा, राइट, ये जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीजें यूज करें. और नो वन कैन डिनाई कि भाई हम ये सारी चीजें यूज नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल एटलीस्ट एक चीज तो यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, तीनों में से एक टेक्नोलॉजी के साथ तो तुम जुड़े हुए हो. राइट, बात समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे डेली लाइफ में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. सो दिस टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर द एजुकेशन पर्पज ऑल्सो. तो अब अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो भाई हम एजुकेशन में कैसे पीछे रह सकते हैं. सो टेक्नोलॉजी हेल्प अस इन कोप, सॉरी, इन टू कोप विद द चेंजिंग एनवायरमेंट. अब यहाँ पे देखो हम कैसे यूज करते हैं स्टडी के लिए. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टूल्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आर. सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, हम कैसे कैसे चीजों को यूज करते हैं का एजुकेशन को इजी करने के लिए. तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी, राइट, किसका यूज करने वाले हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का. तो इसको एक बार रीड करते हैं और समझते हैं. तो अभी समझते हैं कि हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प होता है. तो सबसे पहले लिखा हुआ प्रेजेंटेशन एक्सेल. अब देखो तुम्हें पता है हम एमएस एक्सेल करके होता है, राइट, एक्सेल करके एक सॉफ्टवेयर है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप्स के इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन डेटा थ्योरीज मेड इजी. जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल में कैसा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अगर तुम सिंपल वे में प्रेजेंट करना चाहो तो प्रेजेंट कर सकते हो, और जो तुम्हारे डेटाज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाते हैं, बहुत ही ईजी हो जाते हैं. ओके, तो ये हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज होता है. जैसे अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कि अगर मान लो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर बजट एक्सप्लेन करना चाहती है, जैसे कि देखो सिंपल समझाता हूँ. जैसे अगर तुम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे दिखा होगा या बहुत सारे ऐसे लोगों का दिखा होगा जिनका मेन बेसिकली काम होता है ये बजट्स, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना. तो उसमें कैसा है, हमें पता है बजट्स में जो डेटाज होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत सारे होते हैं, राइट. तो जो डेटाज होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्लस लार्ज डेटाज होते हैं. तो अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे डेटाज देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन अगर हम चाहें तो हम स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं, राइट, हम स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं. और इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, राइट, हम प्रेजेंटेशन करके उनको 3 से 4 स्लाइड में ही फिनिश कर सकते हैं. यानी कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, जो जो मेन मेन चीजें हैं उनके छोटे छोटे स्लाइड्स बना के हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन है उनको भी श्रिंक करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को. बात समझ में आया, क्लियर है? तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा, प्रेजेंटेशन. ये एक्सेल यहाँ पे नहीं होगा. ओके, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है. दैट वॉज प्रिंटिंग मिस्टेक, इग्नोर इट. तो प्रेजेंटेशन में क्या कि जो भी हमारे पास डेटाज हैं, थियरीज हैं, कितनी भी डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन उनको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके बाद है एक्सेल वर्कशीट.
अब देखो एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं डील्स विद द थाउजेंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो रिसर्चर्स होते हैं वो डेली थाउजेंड ऑफ इन्फॉर्मेशन से गुजरते हैं, बहुत सारी चीजें उनके पास रहती हैं। अब क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो एक क्लिक में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर तुम्हें एक्सेल शीट तुमने कभी लाइफ में यूज किया हो, अगर नहीं यूज किया हो तो एक बार ट्राई कर लेना। मैं तुम्हें सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर तुमने स्कूल टाइम में कभी भी रिजल्ट बनाया होगा, जैसे हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था कि सबसे पहले हमको एक्सेल शीट में रिजल्ट बनाना सिखाते थे, फॉर्मूलाज सम का, मल्टीप्लीकेशन का, वो सारी चीजें सिखाते थे। तो जो रिजल्ट हमें बनाना होता है ना, वो एक फॉर्मूला से, ठीक है, सिर्फ एक क्लिक से एक फॉर्मूला से जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा प्रोसेस कर देता है, राइट। सो इट मींस वी कैन यूज एक्सेल वर्कशीट टू रिप्रेजेंट द थाउजेंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ सिंपलेस्ट वे जस्ट बाय इन वन क्लिक। बात समझ में आया कि एक क्लिक में हम बहुत सारे थाउजेंड ऑफ इन्फॉर्मेशन को इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है डायग्राम एंड ग्राफ। अब देखो डायग्राम एंड ग्राफ में क्या है, सेवरल प्रोग्राम्स हेल्प। अब इसमें देखो क्या है, टूल्स फॉर फ्री हैंड फिगर। देखो अभी कैसा है, डायग्राम में क्या आ गया कि टूल्स फॉर फ्री हैंड फिगर। फ्री हैंड फिगर का मतलब क्या है, तो अपने हिसाब से चाहे तो देखो ये बना सकते। ये क्या है, फ्री हैंड है ना, इसमें कुछ भी मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये टेक्नोलॉजी है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ। एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड सप्लाई कर्व, ये सारी चीजें बनाना है तो भी हम बना सकते हैं। हाँ बस हमें एक चीज पता होना चाहिए, जब भी हम कोई चीज का यूज कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, तो उसमें कुछ फॉर्मूला यूज करना होता है, बस वो हमें पता होना चाहिए कि हमें वहां पे डेटा को कैसे फिट करना है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने बनाया, मैंने ट्राई किया था, जो हमारा ये एमएस एक्सेल होता है, एक्सेल में मैंने डायग्राम्स बनाए थे, ग्राफ्स बनाया था। जो हमारे इकोनॉमिक्स में ग्राफ है, अगर तुमने देखा होगा हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी दिया है, सेवन चैप्टर में भी दिया हुआ है, तो ये ग्राफ्स को मैंने सिंपल वे में, ठीक है, मैंने सिर्फ डेटास फिल किया था, और डेटास फिल करना बड़ी बात नहीं है, डेटास फिल करना और कहाँ कैसे रखना है कौन सा डेटा वो पता होना चाहिए, और वो पता होना चाहिए बाद में तुम क्या करो, बस एक क्लिक करोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग तुम्हें ग्राफ बना के दिखा देगा, अपने अकॉर्डिंग तुम्हें डायग्राम बना के दिखा देगा। तो ये भाई कहता ना यूज है टेक्नोलॉजी का। ओके मैं एक बार फिर से ऊपर से चलता रिवाइज करता हूँ। सबसे पहला क्या है, प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, प्रेजेंटेशन। इट मींस कि हमारे पास जो भी डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको सिंपल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ, एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट में क्या है कि हमारे पास जो रिसर्चर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं जो इसका यूज करते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनके पास थाउजेंड ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। अभी थाउजेंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इसको वो लोग क्या कर सकते हैं, ओनली वन क्लिक में पूरी डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। फिर नंबर थर्ड, डायग्रामिंग ग्राफ। अब डायग्रामिंग ग्राफ में कैसा है कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हम अलग अलग प्रोग्राम का यूज करके, जैसे हमारे पास टूल फॉर फ्री हैंड प्रोग्राम है, इनका यूज करके हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन को हम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट ओनली वी हैव टू नो ओनली द फॉर्मूला। ओके क्लियर है। तो पहला क्या है, प्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है तुम्हारा, एक्सेल वर्कशीट। एंड तीसरा है डायग्राम इन ग्राफ। उसके बाद फोर्थ है स्टोरेज टूल। अब देखो स्टोरेज टूल्स में क्या है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी हो गई है कि पहले हमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हमें लेके चलना पड़ता था। अभी जैसे मैं बताऊं, मेरे मोबाइल में क्लास 11, 12, FY एंड TY, इन सभी की मेरे पास मटेरियल्स हैं, बुक्स, प्रॉपर बुक्स, राइट। अब इन सबकी प्रॉपर बुक्स है, इट मींस आई एम यूजिंग द टेक्नोलॉजी, और जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने अपने मोबाइल में स्टोर किया हुआ है। अगर मुझे लेकर घूमना हो तो मुझे लग रहा है कि 11th के लिए एक बैग, 12th के लिए एक बैग, FY के लिए एक बैग, TY के लिए एक बैग, यानी चार बैग मुझे लेके चलना पड़ेगा डेली बेसिस पे, राइट। बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो सारी चीजें नहीं करनी पड़ रही है, राइट। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इस फोल्डर में जाओ, वहां से मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वी कैन यूज द स्टोरेज टूल्स, तो सो प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट, लाइक स्टडी मटेरियल्स जो हमारे हायर स्टडीज के लिए यूजफुल होती हैं, तो उन सभी को रखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, स्पेस की जरूरत पड़ती है, राइट। हमें ध्यान रखना पड़ता है, उनको बचाने के लिए ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में पॉसिबल नहीं, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन द फिजिकल फॉर्म। सो इफ यू आर हैविंग हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सो इट कैन बी कैरीड इजिली। राइट नाउ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाइक ईमेल है, ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे भी तुम सेव कर सकते हो। डीजी लॉकर जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने जो डेटाज है उनको वहां पे सेव कर सकते हो, और जब मन हो, जहां भी रिक्वायर हो, तुम उसको यूज कर सकते हो, राइट। सो स्टोरेज टूल्स आर यूज फॉर, स्टोरेज टूल वी कैन यूज टू सेव अवर डेटाज, राइट। We can preserve our data in a simple way, right? और जहां भी मन हो, we can carry easily all the information where we want. बात समझ में आया, क्लियर है। तो स्टोरेज टूल्स में क्या है कि प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स है जो हमारे हायर स्टडीज के लिए काम आती है, भाई उनको सेव करना है तो वी नीड स्पेस, राइट। वी नीड केयरफुलनेस टू प्रिजर्व देम।
but it is not possible in a physical form to preserve them all the way. So we can use hard disk, pen drives, and we can carry this information easily from one place to another place, right? And now this time now we are having emails, Dropbox, Google Drives, DigiLockers, these types of information that we can use to save our datas. बात समझ में आया? Clear है? तो storage tools में इतनी points याद रखने हैं. उसके बाद next है other tools. अब other tools में क्या है कि बहुत सारे programs है, like SPSS है, SASM है, eView है, SAS है. अब ये जो software है, ये सारे software का काम क्या है? ये सारे software ज्यादातर researchers use करते हैं, जो PhD करते हैं, जो research करते हैं, वो लोग use करते हैं इसका. अब use कैसे करते हैं? क्योंकि इन सभी लोगों के पास जो डेटाज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये भाई बहुत सारे lakhs of datas का observation करते हैं, बहुत सारी चीजों को collect करते हैं. लेकिन अब problem क्या है कि इनको collect करके इनका जो presentation करना होता है, तो वो presentation कैसे करेंगे, right? तो प्रेजेंटेशन करने के लिए वो इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं. और इनका यूज कैसे करना होगा, जो डेटा है उनको प्रोसेस कैसे करेंगे, तो बस जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला ओनली. बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुम फॉर्मूला रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो टेक्नोलॉजीज है, मैंने कहा रिसर्चर्स यूज करते हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं वो यूज करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट? नॉट ईच एंड एवरी पीपल कैन यूज इट. बट कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लाइक PSPPR, GRL, GRELT, GRELT, राइट? ऐसे भी अवेलेबल हैं. और कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सॉफ्टवेयर्स तो ऐसे भी हैं जो हम अपने स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हैं, राइट? समझ में आया? तो ये है हमारा अदर टूल्स में. तो एक बार मैं फिर से पॉइंट रिवाइज करवा देता हूँ. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारा, प्रेजेंटेशन. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन. सेकेंड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो तुम्हारे लिए याद करना आसान हो जाएगा. साइड में चलते हैं. पहला क्या है प्रेजेंटेशन. दूसरा क्या है, एक्सेल वर्कशीट, राइट? पहला क्या, प्रेजेंटेशन. दूसरा क्या, एक्सेल वर्कशीट. तीसरा क्या है हमारे पास, डायग्राम एंड ग्राफ. कि डायग्राम एंड ग्राफ का भी टेक्नोलॉजी में यूज करके हम जो डिफिकल्ट डेटाज होते हैं उनको सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बस हमें फॉर्मूला पता होना जरूरी है. वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज ए स्टोरेज ऑल्सो, राइट? स्टोरेज टूल्स की तरह भी यूज करते, लाइक हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा अदर टूल्स. अब अदर टूल्स में क्या लिखा है भाई, सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल है. इन सॉफ्टवेयर का यूज करके जो डेटाज है, लैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास, लैक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उनको प्रोसेस कर सकते हो. बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? तो ये है हमारा टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में लिए. इसका जो मेन हेडिंग है वो ही है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. तो ये याद रखना है कि अगर पूछ लेता भाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है, तो तुम्हें ये लिखनी है, राइट? तो ये तुम्हें याद रखना है. और अगर इकोनॉमिक्स वाला पूछते हैं तो तुम्हें पूरा ही टॉपिक लिखना पड़ेगा. तो उसके लिए हम आगे चलते हैं और रीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है. नेक्स्ट हमारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी. पहला क्या था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी था. नेक्स्ट हमारा क्या, इंटरनेट टेक्नोलॉजी. अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज करते हैं, तो देखो ट्यूटोरियल्स. पहला क्या लिखा हुआ, ट्यूटोरियल्स, जिसमें है एजुकेशनल वेबसाइट्स, पीपीटी, स्टडी मटेरियल एंड ओपन एक्सेस. अब देखो, अब इसमें समझना क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, राइट? जैसे अभी तुम मेरे चैनल पे पढ़ रहे हो, ये भी क्या है, वेबसाइट की तरह समझो. यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और ओपन एक्सेस होता है. तुम बिंदास यूज कर सकते, कोई भी तुम्हें चार्जेस की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती. और ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी हैं जहां पे तुम जाके स्टडी मटेरियल यूज कर सकते. जैसे बहुत सारी हैं, लाइक स्वयं हो गया, इग्नू हो गया, ई पाठशाला हो गया, राइट? फिर उसके बाद अगर मैं बड़े बड़े रिसर्चेस के लिए बात करूं तो शोध गंगा हो गया, ठीक है, तो गंगोत्री हो गया. ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास चीजें जिनका हम यूज करके स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, और ये ओपन एक्सेस है. नो चार्जेस, नो एनी डेटा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू गेट द इन्फॉर्मेशन. आई मीन कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें आईडी वो करना है, वही पासवर्ड चाहिए होगा उसके लिए, या तुम्हें कुछ लेकर आना पड़ेगा गवर्नमेंट से, परमिशन लेनी पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, तुम्हें भाई जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है कि भाई हम कहीं भी लॉगिन करते हैं तो हमको आईडी बनाना पड़ता है, बस उतना ही रिक्वायरमेंट है, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है. जैसे फेसबुक पे भी लॉगिन करना होता है तो आईडी की जरूरत पड़ती है ना, व्हाट्सएप की जरूरत पड़ना तो मोबाइल रजिस्टर करना पड़ता है ना, बस उतना ही काम करना है तुम्हें, बस बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. क्लियर है इतना? तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड करता है, बाय वे ऑफ वीडियो, बाय वे ऑफ पीपीटी, स्टडी मटेरियल्स, राइट? उसके बाद है एक्टिव लर्निंग. तो आजकल देखो एक्टिव लर्निंग भी हो रहा है, वीडियो लेक्चर्स बाय द एक्सपर्ट्स. बहुत सारी, अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने बहुत सारे लाइव चैनल स्टार्ट किए थे, राइट? जहां पे लाइव लेक्चर्स होते थे, स्टूडेंट्स जो है अपना वहां पे बैठ के सुन सकते हैं, इवन वो क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं.
बस हमें करना क्या होता है, हमें रजिस्टर करना पड़ता है एंड कैन वी कैन लिसन लाइक वी डू इन अ क्लास। और जैसे हम क्लास में स्टडी करते हैं सेम टू सेम फीलिंग आती है। इवन जैसे अभी ये तुम स्टडी कर रहे होगे राइट, अगर तुम इसको शांति से मोबाइल में रख के दूर रख के सुनोगे इसको, ठीक है, ऐसा नहीं कि मोबाइल में अलग अलग चीजें चलाते रहो, तो तुम्हें लाइव क्लास वाली फीलिंग आएगी, एक्टिव लर्निंग वाली फीलिंग आएगी। बात समझ में आया, क्लियर है? तो पहला क्या, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, दूसरा है एक्टिव लर्निंग, क्लियर है इतना। उसके बाद थर्ड है रीडिंग मटेरियल्स। तो रीडिंग मटेरियल्स में क्या है, मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, वी कैन गेट नंबर ऑफ मटेरियल्स एट द फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डू नॉट रिक्वायर टू पे एनी मनी। जैसा मैंने बोला एक पीडीएफ ड्राइव करके, कभी गूगल पे सर्च करना है पीडीएफ ड्राइव, उस पर तुम्हें हजारों लाखों करोड़ों सॉरी एक्चुअली करोड़ों बुक्स तुम्हें मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। समझ में आया, फ्री ऑफ कॉस्ट वो करोड़ों बुक्स मिल जाती है, बस तुम्हें एक आईडी बनानी पड़ी, आई थिंक आईडी की भी जरूरत नहीं पड़ती उस पे, तो बस तुम्हें जाके अपनी बुक का नाम पता होना चाहिए, बस इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तुम्हारे पास, ओके। तो अभी इसमें देखो रीडिंग मटेरियल्स में कैसा है, जैसा मैंने बोला कि तुम्हें बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल सकते हैं, जर्नल मिल सकते हैं, बस हमें कभी कभी कैसा एनुअल मिनिमम फीस भी पे करना पड़ता है, भाई ये रिक्वायर्ड है, कभी कभी रीडिंग मटेरियल्स को लेने के लिए हमें जो मिनिमम फीस है वो पे करना पड़ता है। सो हम इसको ई जनरल या ई बुक के नाम से भी जानते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला कि ई पाठशाला है, राइट, स्वयं है, उसके बाद तुम यहाँ पे जाके है ना बुक्स ले सकते हो। अभी तो एक और आ गया था, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, एक मिनट में देखता हूँ, मैंने मोबाइल में शायद उसको इंस्टॉल किया था बट श्योर नहीं है, रुको 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 रुको, नहीं मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, बहुत सारे ऐप्स हो गए थे तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, राइट, ऐसा नहीं है कि कोई भी वेबसाइट है तुम्हें प्रॉब्लम होगी, नो, गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, सो यू कैन यूज दैट materials। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन, मेयरली सर्चिंग इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग डिग्रीज इन इकोनॉमिक्स। अब देखो इसमें कैसा है, इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट एनी टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जस्ट वी हैव नीड टू सर्च द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हमें डिग्री प्रोवाइड करी इन इकोनॉमिक्स में, राइट, कौन सी डिग्री, आई मीन कौन सी यूनिवर्सिटी हमें डिग्री प्रोवाइड करी इकोनॉमिक्स के लिए, तो बस हमें सर्च करना है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन विच यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग डिग्री इन इकोनॉमिक्स इन सूरत, तो पता चल जाएगा भाई सूरत में कौन कौन से, तो मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सर्च करना आना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट है मिसलिनियस। अब इसमें देखो कैसा लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कोट्स देखना है, किसी बुक का रेफरेंस सर्च करना है, जैसे हम लोग है ना कि अगर तुम्हें लॉ पढ़ना है तो लॉ के लिए सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है, या अगर तुम्हें ये जानना है कि अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है, तो वो तुम रेफरेंस बुक्स सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज द डेटा। सी वी कैन गेट द ऑथेंटिक डेटा फ्रॉम द वेरियस ऑथेंटिक वेबसाइट्स। जैसे कि अगर तुम्हें बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जस्ट गो ऑन द आरबीआई, राइट, आरबीआई वेबसाइट्स पे जा, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग। बात समझ में आया। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बजट की जरूरत है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे जाओ। अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, लाइक यूएनओ, आईएलओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें ऑफिशियल वेबसाइट से मिल सकते हैं, ऑथेंटिक डेटा मिल सकते हैं, राइट, और ऑथेंटिक वेबसाइट्स अवेलेबल है। क्लियर है इतना, समझ में आया। एक बार फिर से इंटरनेट टेक्नोलॉजी का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्या है, ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे मैं चीज लिख देता हूँ, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ट्यूटोरियल्स, ठीक है, कि बहुत सारे यहाँ पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, पीपीटी अवेलेबल है, प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, वर्कशीट्स अवेलेबल है, जिसका यूज करके तुम स्टडी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग, ऐसा फीलिंग आएगा जैसे तुम लाइव क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद रीडिंग मटेरियल, कि जो भी तुम्हें रीडिंग मटेरियल चाहिए हो, जो भी तुम्हें बुक्स चाहिए हो, वो इजीली मिल जाता है, बस तुम्हें कभी कभी मिनिमम फीस जो है वो पे करना पड़ता है, राइट। उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन, कोई भी टाइप की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट वे है, जैसे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स डिग्री के लिए। उसके बाद मिसलिनियस चीज, तो मिसलिनियस में याद क्या रखना है, अगर तुम्हें रेफरेंस चाहिए हो, ठीक है, और अगर तुम्हें रेफरेंस चाहिए हो, ये देखना हो कि कौन सी बुक्स कौन से एजुकेशन के लिए है, या कौन से डिग्री के लिए कौन सा बुक्स यूज करना है, कौन सी एग्जाम के लिए कौन सा बुक यूज करना है, तो वो भी तुम सर्च कर सकते हो। फाइनल इन्फॉर्मेशन है डेटा। अब देखो डेटा में क्या है कि अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना है तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स भी अवेलेबल है, राइट, डेटाज के लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑथेंटिक डेटाज, राइट, ऑफिशियल, तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर लो। तो पहला पॉइंट क्या है, ट्यूटोरियल्स, दूसरा है एक्टिव लर्निंग, तीसरा रीडिंग मटेरियल, चौथा इन्फॉर्मेशन, पांचवा मिसलिनियस, और छठा तुम्हारा है डेटा। मैं वापस रीड करता हूँ, ट्यूटोरियल्स, एक्टिव लर्निंग, रीडिंग मटेरियल, इन्फॉर्मेशन, मिसलिनियस एंड डेटा। देखो पॉइंट्स अगर रीड कर लो के अंदर का रीड करना आसान हो जाएगा, ओके। तो मैं फिर से रीड करता हूँ, ट्यूटोरियल्स,
हाँ, एक्टिव लर्निंग, रीडिंग मटेरियल, राइट, फिर अगेन इंफॉर्मेशन, मिसलिनियस एंड डेटा। क्लियर है इतना? समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीडीज से लेके, सीडीज बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे हमारा जो डेटा सीडीज है, तो डेटा सीडीज को लेके है। तो यहाँ पे इसमें ज्यादा खुद खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं डेटा सीडीज में क्या है। अभी डेटा सीडीज देखो, ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पूरा फर्स्ट टॉपिक का है भाई, कि टेक्नोलॉजी यूज कैसे होता है या टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक्स में यूज कैसे है। ओके, तो ये पूरा उसी टॉपिक में कवर होता है, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है, डेटा सीडीज का भी। तो अब डेटा सीडीज में कैसा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं, रिसर्चर्स हैं, सेंटर्स, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन, यानी जो उन लोगों ने रिसर्च किया है, जो भी उन्होंने काम किया है, उसको सीडीज पे प्रोवाइड करते हैं और उसको सेल करते हैं। व्हाई दे आर सेलिंग? दे आर सेलिंग टू द रिसर्चर्स एंड एजुकेशनल्स, फॉर द एजुकेशनल पर्पज एंड रिसर्च पर्पज, राइट। कि अगर तुम्हें रिसर्च पर्पज के लिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, स्टडी करने के लिए चाहिए, तो वो तुम सीडीज परचेस कर सकते हो। एंड सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, देखो जैसे बहुत सारी सीडीज अवेलेबल है, लाइक अ सीडी ऑफ नेशनल इनकम, सीडी ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सीडी ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सीडी ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो हमारा सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रोवाइड करता है। फिर एजेंसीज लाइक सी, यहाँ पे ये थोड़ा सा CFMIE, एक्चुअली CF नहीं है वहाँ पे, इसको डायरेक्टली तुम याद कर सकते हो CMIE, राइट, ये एफ लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, CMIE। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये याद कर सकते हो। तो अब इसमें देखो ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो उसको याद रखना, ये इंडियन हो जाएगा, नॉट इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, तो अभी यहाँ पे समझो, ये सारी एजेंसीज हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें क्या है कि क्रिएट डेटा सॉफ्टवेयर और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं इसको यूज करते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इनके जो चार्जेस होते हैं थोड़े ज्यादा होते हैं भाई, क्योंकि इन लोगों ने इतना रिसर्च किया है, इतना काम किया है, और उस काम को तुम्हें एक छोटे से सीडी में ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं। सो डेफिनेटली दे विल चार्ज सम मनी, राइट, क्लियर है? तो राइट नाउ वी ऑल आर हैविंग वेरियस सीडीज, इट मींस देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर प्रोवाइडिंग देयर इंफॉर्मेशन, देयर रिसर्च इन अ सीडीज व्हिच इज यूज्ड बाय द वेरियस रिसर्चर्स, वेरियस एजुकेशनिस्ट, राइट, टू स्टडी द टॉपिक। ओके, क्लियर है? बस एक चीज है इसमें, डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी ये है जो सीडी या जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत सारी डेटाज होंगी। अब कौन से डेटा हमारे काम की है वो हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि जब वो सीडी देंगे तो ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैं बात कर लेता हूँ, सेंसस की बात करता हूँ, अगर मुझे सेंसस का चाहिए तो सेंसस का उसमें मिल जाएगा, तो सेंसस का तो हमारे पूरे इंडिया का सेंसस का होगा, और मान लो मुझे सिर्फ गुजरात का स्टडी करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कैसे सर्च करना है उसके अंदर, राइट। तो वो चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, बट हमें बस प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज टू सर्च द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इफ यू आर हैविंग दैट नॉलेज, इट मींस यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी, एंड दिस टेक्नोलॉजी हेल्पफुल फॉर यू ओनली, राइट। क्लियर है इतना? सो आई होप नाउ इट इज अ वेरी क्लियर, और सारी चीजें समझ में आ गई हैं। और अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं, जस्ट नीड योर सपोर्ट। एंड हाउ यू विल सपोर्ट, यू विल लाइक द वीडियो, यू विल शेयर द वीडियो, एंड ऑफकोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ये तीनों चीजें करनी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड बस इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसका रिविजन करते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा एक वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको अच्छे से रीड करना, एक स्पीड में भी सुन सकते हो, स्लो में भी सुन सकते हो, इट्स योर चॉइस, जैसा तुम्हें सुनना हो। अब तुम्हें क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, यही एक काम तुम्हें करना है, और जो चीजें मैंने की उसको सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।